Hey guys, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग हम आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है मेरी लाइफ का, और कौन सा अवार्ड होगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जुड़े रहिए। और बस आपको हिंट दे दिया, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है यार जो मिलने वाला है। तो इस वक्त पर जब मैंने ये बात कही है तो मैं चाहूंगी कि जो नाम मैं लूं, आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें स्टेज पर। वसीम खान साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आज इन्हें फिटनेस आइकॉन यूथ का अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैं उनसे इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसी तरह ये आवाम के भी सपोर्ट करते रहेंगे, इस
अच्छी तरह माशाल्लाह जिम भी चलाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इनसे लोग बाग इसी तरह फैजियाब होते रहेंगे और लोग बाग इनसे जो उनको फिटनेस के बारे में जो भी कुछ ही जानते हैं उनको इसी तरह पहुँचाते हैं। तो गाइस ऑफिशियली फिटनेस आइकन 2022 फाइनली ऑफिशियली। तो 24th राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में मुझे फिटनेस आइकन का अवार्ड मिल गया है फाइनली दोस्तों। और मेरे साथ साथ जैसे हिंदुस्तान के अलग अलग कैटेगरी में, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेस हो, बहुत अपने हमारे देश के बहुत सम्मानित लोगों को ये अवार्ड मिला। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था जिन लोगों के हाथों से ये अवार्ड मुझे मिल रहा था। तो कोई जनरल थे, कोई अपनी अपनी फील्ड में बहुत टॉप पर थे वो लोग। बड़ा प्राउड फील हो रहा कि यार मैंने इतने साल इस गेम को दिए तो जो ये ऑफिशियली फिटनेस आइकन का अवार्ड आज मुझे मिला है तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और ये सारा का सारा श्रेय ये आप लोगों के लिए पे जाता है क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फैंस के बिना एक एथलीट कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा अवार्ड है अभी तक का। फिटनेस आइकन अवार्ड मुझे पहले भी मिले और अवार्ड बहुत अवार्ड मुझे पहले भी मिले, लेकिन आज ऑफिशियली जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अवार्ड मिला है तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए कि आप लोगों की वजह से मुझे ये अवार्ड आज मिला। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो भाई ऐसे ही प्यार देते रहिए और हर साल मुझे ये अवार्ड मिलता रहे। थैंक यू सो मच।